अपने घर में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। उसने आज भी अनुभव किया कि बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सामान भी कैसे सस्ता बेचता है और आदमी कैसा भला जान पड़ता है। समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो न कराए सो थोड़ा। 8 मास बाद शीत ऋतु थी। रोहिणी स्नान करके घर की छत पर बाल सुखा रही थी कि नीचे गले में सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। मिठाई वाला का स्वर परिचित था। रोहिणी झट से नीचे उतर आई और वृद्धा दादी से बोली, जरा उसे बुलाइए ना, बच्चों के लिए मिठाई ले लूं। दादी उठकर बाहर आकर बोली, हे मिठाई वाले इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला, माँ जी कितनी मिठाई दूं? नई तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ खट्टी कुछ मीठी और जायकेदार। इन गुणों के अलावा ये खांसी में भी फायदेमंद है, खांसी दूर करती है। बताइए कितनी दूं? 1 पैसे की 16 देता हूँ। दादी बोली, 16 तो बहुत कम है, भला 25 तो दो। मिठाई वाले ने कहा, नहीं दादी अधिक नहीं दे सकता, इतनी भी किस तरह दे रहा हूँ, यह अब मैं आपका क्या। खैर मैं अधिक तो न दे सकूंगा। रोहिणी दादी के पास ही बैठी थी, बोली, दादी फिर भी काफी सस्ती दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, ये पैसे रहे। मिठाई वाला मिठाई गिनने लगा। रोहिणी पूछ बैठी, भैया तुम पहले भी यहाँ आते रहे हो ना? हाँ कई बार आ चुका हूँ, वह बोला। रोहिणी का अनुमान सही निकला, वह अब उससे कुछ और भी पूछने के लिए अधीर हो उठी। मिठाई वाले ने बताया, मिलता तो क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिल पाता, पर हाँ संतोष धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है और यही मुझे चाहिए भी। सो कैसे मिल पाता है वह भी बताओ। अब व्यर्थ में उन बातों की क्या चर्चा करूं, उन्हें आप ही जाने ही दें। उन बातों को सुनकर आपको दुख होगा, भला जब इतना बताया तब और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जा न होगा, मैं और भी मिठाई ले लूंगी। मिठाई वाला गंभीरता से बोला, मैं भी अपने नगर का प्रतिष्ठित आदमी था, मकान व्यवसाय गाड़ी घोड़े नौकर चाकर सभी कुछ था, पत्नी थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे, मेरा वह सोने का संसार था, सुख संपत्ति थी, बच्चे ऐसे सुंदर थे मानो सजीव खिलौने, उनके अटखेलियां के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। विधाता की लीला देखिए, अब कोई नहीं है, प्राण निकाले नहीं निकले, इसीलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ, वे सब होंगे तो यही कहीं, आखिर कहीं न कहीं तो जन्मे ही होंगे। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल पाती है, ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल उछल कर किलकारियां मार रहे हैं, खेल रहे हैं। रुपये पैसों की कमी थोड़ी ही है जो मैं यह सब करता हूँ, आपकी दया से ईश्वर का दिया सब कुछ है, रुपये पैसे तो काफी हैं, जो नहीं है इस रीति से उसी को पा जाता हूँ। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आंखें आंसुओं से तर थी, तभी चुन्नू मुन्नू आकर मिठाई मांगने लगी, उसने दोनों के हाथों में मिठाइयां भर दी। रोहिणी ने पैसे दिए तो वह बोल उठा, अब इस बार ये पैसे न लूंगा। पेटी उठाकर वह आगे बढ़ गया और उसकी आवाज फिर गूंजने लगी, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला।